मुखिया संजीत कुमार ने डुमरी पंचायत में राहत सामग्री वितरण की। पंचायत के लोग दे रहे हैं आशीर्वाद। उनका साफ कहना है, हमारे पंचायत में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। रविवार को डुमरी पंचायत के मुखिया संजीत कुमार ने पंचायत के लगभग 150 गरीब परिवारों के बीच चावल, दाल, आलू, तेल, मसाला, नमक, बिस्किट, मास्क, साबुन तथा सैनिटाइजर आदि का वितरण करने के लिए खाद्य सामग्री तैयार की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण पूरे दूसरे प्रदेशों में फंसे पड़े पंचायत क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन युवकों को नगद सहायता राशि का स्थानांतरण किया गया है। यह भी बताया कि सभी वार्ड सदस्यों और पंचायत के संबंधित लोगों के साथ घर घर जाकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। उक्त अवधि में किसी भी परिवार को भोजन की समस्या उत्पन्न न हो, इसका खास ख्याल रखा गया। खाद्यान्न वितरण में उप मुखिया कविता देवी, अरविंद सिंह, शंभू यादव तथा कृष्णा सिंह पहलवान आदि मौजूद थे। गांव के जितने भी गरीब बुजुर्ग लोग हैं, उनको सहायता के लिए दाल, चावल और सरसों तेल, नमक मसाला सब हम उपलब्ध हर वार्ड में सब गरीब परिवार को घर घर पहुंचाएंगे। और जो भी बाहर के हमारे पंचायत के कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको मदद करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम संजीत कुमार शाह। मुखिया जी, डुमरी पंचायत के मुखिया जी हैं, जो मेरे घर मैं उस मुखिया करते थे। हम लोग परिवार के गरीब परिवार, अपने पंचायत के गरीब परिवारों के लिए घर घर राशन देने के लिए काम करें। मेरे मुखिया जी बहुत से अच्छा सराहनीय काम करें। उनके साथ में हर समय साथ दे रही हूँ। और सभी वार्ड सदस्य हम लोग घर घर घूम कर जा रहे हैं, देखने कोई गरीब है तो उनको हम लोग मैंने अन्न पानी जो भी आर्थिक उनका अथी है, उन लोग हम लोग चाहते हैं कि उनका जहाँ से जितना मदद मिले मदद देने के लिए। आपके द्वारा राशन में क्या क्या चीज़ दिया जा रहा है? दाल है, चावल है, आलू है, तेल है, नमक है, मसाला भी है, यही सब है। जो भी जो चीज़ का कमी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैंने मुखिया जी और हम लोग वार्ड सदस्य, उप मुखिया, वार्ड सदस्य सभी लोग हम लोग एक साथ होकर हर घर घर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या कमी है, क्या बात है, हमारे पंचायत कैसे लोग हैं, जो हम लोगों को कमी बेसी लग रहा है जो बता रहे हैं, हम लोग के साथ हम लोग।